नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आई है एक अच्छी अपडेट इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट से, तो क्लिक करना ना भूलना लाइक के बटन पे, सब्सक्राइब के बटन पे, और पूरे वीडियो पे बने रहने के लिए थोड़ा सा कष्ट जरूर करना, क्योंकि हो सकता है वीडियो छूट जाए और आपका एग्ज़ाम भी छूट जाए, जिसके वजह से आपके रिजल्ट में बैक लगना, नॉट कंप्लीटेड जैसा इशू हो सकता है। तो पूरा वीडियो आई होप सो कि आप देखना पसंद करेंगे। इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें सबसे टॉप पे चल रहा है आपका रिजल्ट का इशू। पिछला वीडियो मैंने रिजल्ट के बारे में बनाया था, तो आप लोगों ने उसे काफ़ी पसंद किया। रिजल्ट वाली सारी अपडेट आप उस वीडियो पे देख सकते हैं। लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ रीजनल सेंटर्स की अपडेट के बारे में। रिसेंटली जो एग्जामिनेशन हुई उसका टाइटल था 2023 दिसंबर एग्जामिनेशन। दिसंबर एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग हॉल टिकट भी आई थी, जिसमें से आपको दिया होगा आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस का भी डेट। नहीं दिया था वो हॉल टिकट में कभी नहीं होता। मैं बात कर रही हूँ 2023 के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के बारे में, जो दिसंबर सेशन का एग्जामिनेशन था। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की डेट कभी भी आपके हॉल टिकट पे नहीं होती। अगर इस बात को गौर करना है तो अपने हॉल टिकट को अभी निकाल के देख लो। उसमें प्रैक्टिकल डेट इसलिए नहीं होता क्योंकि आपका रीजनल सेंटर आपको वो डेट प्रोवाइड करता है। ध्यान से देखिए आपका आरसी कौन सा है और अपने आरसी यानी रीजनल सेंटर में आप कौन से स्टडी सेंटर पे आते हैं। ये ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है कि आपका रीजनल सेंटर कौन सा है। अब आपको नहीं पता कि रीजनल सेंटर कौन सा है, तो इसके लिए आपको सिंपल सी प्रोसेस करनी होगी। आप जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पे, लॉग इन कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि मेरी आईडी में मेरा रीजनल सेंटर कौन सा है। होप सो कि आपको ये पता होगा। रीजनल सेंटर में दिया जाता है आपके एग्जामिनेशन का यानी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का सारा डिटेल, जैसे कि आपकी गाइडलाइन। ये गाइडलाइन आई है आपके इग्नू के तरफ से, जिसमें आपको बताया गया है कि किस तरीके से आपको आपके दिसंबर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को फॉलो करते हुए यानी इन रूल्स को फॉलो करते हुए एग्जामिनेशन देना है। अब मैं बात करती हूँ कि आपका रीजनल सेंटर कुछ भी हो, आप खुद से जाके चेक कर सकते हैं रीजनल सेंटर के वेबसाइट पे, क्योंकि एक एक वेबसाइट के डिटेल वैसे तो मैं बताती हूँ लेकिन आपको भी अपडेट रहना ज़रूरी होता है। बात करते हैं इग्नू के रीजनल सेंटर दिल्ली 3 के बारे में। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के बारे में और उसी के साथ प्रैक्टिकल की डेट शीट और एलिजिबल स्टूडेंट्स की लिस्ट भी। अब आप एलिजिबल हैं या नहीं, यानी आपको मौका दिया जाएगा कि नहीं, इसके बारे में भी जान लीजिए। अगर इन लिस्ट में आपका नाम नहीं है या फिर इसी तरह अलग सेंटर्स की लिस्ट में आपका नाम नहीं है, मीन्स आपके फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया गया और आप एग्जामिनेशन देने नहीं जा सकते, और अगर आप एग्जामिनेशन देने गए तो आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये पूरी गाइडलाइन कह रही है। ये जो गाइडलाइन है ना, इसे मैंने पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ा है और इसमें बताया गया है कि अगर आपने एग्जामिनेशन फी नहीं सबमिट किया है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस का, तो आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। उसके साथ साथ भी बहुत सारी और चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि अगर आप वैसे स्टूडेंट हैं जिनका बैकलॉग लगा हुआ था, जो पिछले एग्जामिनेशंस में अपियर नहीं हो पाए थे या फिर फेल हो चुके थे, तो उनके लिए एक नया रूल आया है यहाँ पे, जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो पिछले एग्जामिनेशंस में अपियर नहीं हो पाए, उनको क्या करना है, उनको अपना ग्रेड कार्ड इशू करना होगा अपने रीजनल सेंटर में और वहाँ से अपने हॉल टिकट को लेकर फिर से आप जाके प्रैक्टिकल सेंटर पे जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं और ये बात ध्यान देने वाली बात है कि आप अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के लिए अलग से आपको पेमेंट करनी पड़ती है, अलग से फी जमा करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है कि आपको नहीं पता। नेक्स्ट नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा दूं, तो ये तो सारी बातें हो गई कि आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के बारे में, तो किसका किसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अब बात करती हूँ आपके दिल्ली 2 रीजनल सेंटर के बारे में, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं एक लंबी चौड़ी पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई है सारी एग्जामिनेशंस यानी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के बारे में। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में आते हैं, वो है आपका नोटिफिकेशन अबाउट योर फाइनल डिग्री यानी कन्वोकेशन। कन्वोकेशन क्या होता है? ये होता है एक समारोह जिसमें आपको आपके इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा सम्मानित किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है जिसमें आपको अपनी डिग्री दी जाती है और आप बहुत ही अच्छे तरीके से यानी अच्छा और प्राउड फील करते हो ये चीज़ लेने में। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, इसके लिए आपको 600 रुपये पे करने होते हैं और रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है।
10 फरवरी तक ये रजिस्ट्रेशन चलेगी। 20 फरवरी को दिल्ली के मैदानगढ़ी में ये एक समारोह रखा जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से आपको फॉर्म को फिलअप करना है, सारी चीज़ें। होप सो कि आपने अपना ग्रेड कार्ड चेक कर लिया होगा और आपका ग्रेड कार्ड पूरी तरीके से सही होगा, मीन्स आप पास हो चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा कौन से ऐसे स्टूडेंट है जो एलिजिबल है अपनी फाइनल डिग्री यानी कन्वोकेशन में रजिस्ट्रेशन के लिए। थैंक यू सो मच। बट हाँ, भूलिएगा नहीं, एग्जामिनेशंस के लिए रेडी रहिएगा। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।